हड़ताल खत्म करने के कोर्ट ने आदेश दिए। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल खत्म करने के कोर्ट ने आदेश दिए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया, कल सुबह 10 बजे से चलेंगी हरियाणा रोडवेज की बसें, यात्रियों की परेशानी होगी खत्म। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट सख्त हुआ था और हाईकोर्ट ने कर्मचारी यूनियन के नेताओं को बुलाया और बातचीत सरकार से करने की सलाह भी दी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद ही रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को वापस लेने का ऐलान किया। मैं सहयोगी अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, आज काफ़ी देर हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद निष्कर्ष निकला है और हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो हड़ताल खत्म करने के आदेश दिए हैं और रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने अंडरटेकिंग दी है कि कल से जो बसें हैं सड़कों पर आ जाएंगी और सड़कों पर दौड़नी शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जो यूनियन के अध्यक्ष हरि नारायण शर्मा ने बताया है कि हाईकोर्ट ने आश्वासन दिया है कि अदालत सरकार की नीति और कर्मचारियों की तमाम मांगों पर संज्ञान लेगी। इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल को यूनियन नेताओं से सरकार से वार्ता करवाने के भी आदेश दिए हैं और ये सभी जो दोनों का पक्ष सुना गया और उसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि हड़ताल को खत्म किया जाए। जी, ऐसे में जो मांगे थी हड़ताली रोडवेज कर्मचारियों की, उन मांगों को लेकर क्या सरकार के तरफ से कोई आश्वासन कोर्ट को दिया गया है? जी, अभी तो यही एडवोकेट जनरल को यही आदेश दिए गए हैं कि सरकार से और यूनियन नेताओं के बीच वार्ता करवाने के आदेश दिए गए हैं। जो बातचीत होगी उसके बाद ही निकल पाएगा कि आगे किस क्या निर्णय निकलता है। लेकिन जो एडवोकेट हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया है कि कल सुबह 10 बजे हड़ताल खत्म हो जाएगी और कहा है कि हाई कोर्ट ने सशर्त कंडीशनल यानी कि ऑर्डर दिए हैं कि जो कर्मचारी कल 10 बजे तक काम पर आ जाते हैं तो 14 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है, तब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उन कर्मचारियों को ज्वाइन करवा लिया जाएगा, ये आदेश दिए गए हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।